नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका शहडोल डायरीज के इस वीडियो में। एंड आई एम श्योर ये वीडियो का थंबनेल देख के शायद बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड ना हो देखने के लिए, लेकिन यस, आइडिया सेल्यूलर, जो सिंपल भाषा में बोले जिनके फ़ोन में आइडिया की सिम है, उनको मैं बताना चाहता हूँ। बहुत जल्दी आइडिया एक हिस्ट्री रह जाएगा, इतिहास रह जाएगा, कहानी रह जाएगा। 95 के आसपास आइडिया की शुरुआत हुई, और अगर मैं शहडोल में अगर बात करूं तो लगभग 2004, 2003, 2004, 2005 ऐसे ही आया है आइडिया। एंड अच्छी खासी ग्रोथ ली, अच्छा खासा सबके पास हुआ। पर्सनली मेरा आइडिया नंबर 10 साल पुराना है, कुछ लोग का और पुराना होगा, और जो कोई मुंबई महाराष्ट्र वगैरह से बिलोंग करते होंगे उनका तो और भी पुराना होगा, बिकॉज बेस मुंबई है आइडिया का, वहीं से स्टार्ट हुआ था आइडिया। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि कहानी रह जाएगा, अगर आप मेरा चैनल रेगुलर देखते होंगे तो मैंने पिछले साल एक वीडियो बनाया था जिसमें AGR की बात की थी। आइडिया के ऊपर लगभग पिछले साल 58,000 प्लस करोड़ का AGR बाकी था, जो कि इस साल लगभग 7,800 करोड़ कुछ रुपए पे किया गया है, लेकिन स्टिल अभी 50,000 करोड़ से ज़्यादा का AGR बाकी है, जो कि बहुत बड़ा बर्डन बन रहा है कंपनी के ऊपर, आइडिया के ऊपर। एंड बिकॉज ऑफ टफ अल्ट्रा टफ कंपटीशन वो चीज़ हो नहीं पा रही है, मीन्स वो उतना बड़ा अमाउंट इकट्ठा करके सरकार को दे नहीं पा रहे हैं। सो अभी फ़िलहाल दो रास्ते हैं कि या तो सरकार उनका जो ये AGR है वो माफ़ कर दे, जो कि अगेन बहुत कम चांसेस हैं, और दूसरा रास्ता ये है कि कंपनी को बंद कर दिया जाए। अगर आपको मालूम हो 2018 में आइडिया ने वोडाफोन के साथ पार्टनरशिप करके अगेन थोड़ा सा जान भरने की कोशिश की थी कंपनी में, लेकिन स्टिल वो वर्कआउट नहीं हो पा रहा है। वर्कआउट क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बहुत तगड़ा कंपटीशन है, ज़्यादा प्लेयर्स नहीं है मार्केट में, स्टिल बहुत तगड़ा कंपटीशन है। एंड द मार्केट लीडर इज जियो, जो कि जबरदस्त उठापटक मचाए हुए हैं, जिसके कारण ये पूरी सिचुएशन बन रही है। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप वीडियो देख रहे हैं, तो आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, सो आज है 3 तारीख, दो या तीन दिन पहले कंपनी के जो चेयरमैन हैं मिस्टर कुमार मंगलम बिरला जी, उन्होंने गवर्नमेंट के सामने एक पेशकश की है कि भाई वोडाफोन आइडिया में जो आइडिया के शेयर्स हैं, अगर गवर्नमेंट लेना चाहे तो गवर्नमेंट ले ले, अदरवाइज कोई और लेना चाहे तो कोई और ले ले, बिकॉज अब उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि आइडिया को रन कर लिया जाए। ये क्यों नहीं हो पा रहा, वो मैंने बता दिया कि ह्यूज बर्डन, कंपटीशन और जो AGR की कॉस्टिंग है, ये सारा कुछ तो उन्होंने अपने तरफ से पेशकश की है कि भाई जो वोडाफोन आइडिया में आइडिया के जो शेयर हैं वो किसी को दे दिया जाए, या गवर्नमेंट ले ले, कोई भी ले ले, तो उससे हम बाहर आ सकें, जो इतना बड़ा डेट है उसके बाहर आ सकें, और उसके बाद अगेन एक बहुत रेप्यूटेटेड कंपनी का, बिकॉज यू नो मैं तो आइडिया की सिम यूज़ कर रहा हूँ, और मैं आइडिया मींस आदित्य बिरला का एम्प्लॉय भी रह चुका हूँ। सो थोड़ा सा अजीब तो ज़रूर लगता है, एक अच्छा भला, एक ट्रस्टेबल कॉरपोरेट जब यू नो अमलगमेट होता है, दिवालिया होता है, या ऐसा कुछ भी होता है, सिंपल भाषा में ऐसा मान लें कि बंद होता है, बहुत तकलीफ होती है। अब देखना यह है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, आई डोंट नो बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखेंगे या नहीं देखेंगे, लेकिन यस, जो है आइडिया का अभी फ़िलहाल स्थिति बहुत ही ख़राब है, एंड दे आर गोइंग टू वाइंड अप ऑल दिस, उसके लिए पेशकश की जा चुकी है, एंड आई एम वेरी श्योर बहुत जल्दी कोई ना कोई, हो सकता है जियो ही ले ले। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।